आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ, एडुकेशन सब्जेक्ट का। पिछले वीडियो में मैंने कुछ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, शिक्षा में तकनीकी की भूमिका का वर्णन करें। तो आज वर्तमान समय तकनीकी का युग है। आज विज्ञान और तकनीकी तेज़ी से विकसित हो रही है, जिसका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी काफ़ी अहम भूमिका निभा रही है। ये शिक्षा को सब तक पहुंचाने में काफ़ी मदद कर रही है। शिक्षा में तकनीकी की भूमिका आज के समय में शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही है, जिसमें तकनीकी का विशेष योगदान है। इसके अलावा भी शिक्षा को विकसित करने में तकनीकी की निम्नलिखित भूमिका है। पहला हेडिंग है पाठ्यक्रम निर्माण में। आज शिक्षा में जो भी पाठ्यक्रम अपनाए जाते हैं, उन सभी का निर्माण तकनीकी सहायता से किया जाता है। तकनीकी द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षण में। आज के समय में जितने भी शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज तकनीकी की मदद से उन सभी को प्रशिक्षित या ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। तीसरा, शिक्षा को सरल और सुलभ बनाना। तकनीकी ने शिक्षा को काफ़ी आसान बना दिया है, आज यह समाज के हर वक्त तक आसानी से पहुंच रहा है। चौथा, मूल्यांकन में। शिक्षा के क्षेत्र में अब तकनीकी का उपयोग मूल्यांकन में भी किया जा रहा है। अगला है ऑनलाइन पढ़ाई में। तकनीकी का उपयोग वर्तमान समय में विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई में किया जा रहा है। आज के समय में विद्यार्थी घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये था शिक्षा में तकनीकी का विशेष महत्व। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे भी आप लोगों को कई सारे वीडियो मिलेंगे। चैनल पे बने रहें, देखते रहें।